वेरी गुड मॉर्निंग गाइज आई होप यू आर स्वागत है सभी पर तो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो अपने सेहत फैमिली पढ़ाई का ध्यान काफी का अच्छी तरीके से रख रहे हो दोस्तों हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकल्प के साथ अठारह दिसंबर करेंट पर आप लोग के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो आपकी आने वाले पेशाव के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो क्लासा देखें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें अगर जो आप वीडियो को लाइक करते हैं कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो उसे हमारे मोटिवेशन लेवल बिल्कुल हाई होता है तो बस हमारा जो सक्सेस की कुंजी है वो आपके हाथों में है और हमारी सक्सेस यानी आपकी सक्सेस है ठीक है तो बस आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा एवं जो हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप करें उससे क्या होगा जो भी मैं छठ से रेगुलर लेटूंगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा ठीक है, है तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ प्रश्न है भारत के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है वेन इज माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया तो ये भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है कब मनाया जाता है अट्ठारह दिसंबर को और कौन सा दिवस है ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटी राइट्स डे ठीक है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अट्ठारह दिसंबर को मनाया जाता है ताकि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित और बढ़ावा दिया सके यह दिन राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित है इन दिनों लोगों को उनके बारे में सूचित करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए कई अभियान सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ठीक है ये जो है वो अठारह दिसंबर को अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये 18 दिसंबर को हर साल माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब जाता है तो दो दिवस दो डे से आज का क्वेश्चन है ठीक है और दोनों दिवस जो दो है वो आपके आनंद दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ठीक है तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है वेन इज इंटरनेशनल माइग्रेटरी डे सेलिब्रेटेड ये हर साल 18 दिसंबर को माइग्रेटरी डे सेलिब्रेट किया जाता है माइग्रेंट डे सॉरी माइग्रेंट डे है यानी प्रवासी दिवस अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल माइग्रेंट डे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो हर साल अठारह दिसंबर को मनाया जाता है प्रवासियों और शरणार्थियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए अट्ठारह दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने के लिए उन प्रवासियों को और शरणार्थियों को याद करने के लिए बुला रहा है जो अपने जान गंवा चुके हैं या एक सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचने के दौरान गायब हो गए हैं ये जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न है विश्व स्तर पर स्वच्छ खेल का माहौल सुनिश्चित करने के लिए किस देश ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी बाडा को एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने का निर्णय लिया है वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजेंसी वाडा टू इंश्योर अम सपोर्टिंग एट ग्लोबल लेवल तो भारत ये भारत कंट्री है जो विश्व स्तर पर स्वच्छ खेल का माहौल को सुनिश्चित करने के लिए डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा को एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने का निर्णय लिया है ये हमारा प्यारा राष्ट्र भारत के द्वारा निर्णय लिया गया है है ठीक राशि को एजेंसी के के वैज्ञानिक अनुसंधान बजट लिए किया गया है जो एन एंटी डोपिंग प्रशिक्षण और पहचान विधियों के विकास की अनुमति देगा ठीक है तो ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न था ठीक है अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है पाकिस्तानी सॉरी पाकिस्तान के यहाँ थोड़ा सा इधर है क्वेश्चन में पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज ने सत्रह दिसंबर दो हजार बीस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी में अपनी सेवानिवृत्ति की पुष्टि की है यानी अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है विच पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैज़ कन्फर्म रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पी ऑन दिसंबर सेवेंटीन ट्वेंटी ट्वेंटी इनका नाम है मोहम्मद आमिर आप लोग बिल्कुल नाम सुना होगा ये शुरू में जब आए थे तो काफ़ी साइन करते थे मतलब काफ़ी अच्छा बॉलर थे और हमारे देश के जो सहवाग हैं उनको वो अक्सर आउट करते थे ठीक है बाद में इनके द्वारा कुछ गलत व्यवहार में इनको मतलब ये गेम फिक्सिंग वगैरह में फंस गए थे और उसमें इनको बहुत साल जेल रहना पड़ा उसका फिर से वो आए थे और ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन उनका प्रदर्शन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का उनका पहले लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे ठीक है तो इसी कारण से इनका थोड़ा सा अपना करियर में उतार चढ़ाव के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ये पाकिस्तान के बॉलर हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से यह संन्यास लेकर घोषणा किए हैं क्या नाम इनका मोहम्मद आमिर ठीक है आप लोग फोटो देख सकते हैं ये हैं मोहम्मद आमिर ये काफी तेज गेंदबाज है ठीक है तो ये मोहम्मद आमिर का फोटो था अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है कि पांचवा प्रश्न प्रश्न है भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच पचपन साल पुराने चिल्हाटी हल्दीवाड़ी रेल लिंक को फिर से खोलने के लिए तैयार है इंडिया एंड विच कंट्री आर रेडी टू रिपोन द फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड चिल्हाटी एंड हल्दीबाड़ी रेल लिंक बिटवीन द टू कंट्रीज तो ये भारत और बांग्लादेश भारत और इंडिया का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश वो पचपन साल पुराने चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को फिर से खोलने के लिए तैयार है ठीक है उद्घाटन सत्रह दिसंबर दो हजार बीस को पीएम मोदी और पीएम शेख हसीना के बीच में ठीक है एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया नाइनटीन में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस लिंक को काट दिया गया था लेकिन भारत के बीच कनेक्टिविटी और परिवहन को बढ़ाने के लिए इसे फिर खोला जाएगा ठीक है तो ये था आपका क्या नाम है कौन सा ये लिंक है चिल्हाटी हल्दीवाड़ी रेल लिंक ठीक है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ये लिंक है मतलब इसमें आपका रास्ता का ये लिंक है ठीक है जो कि पचपन साल पुराने था जिसको फिर से रीओपन किया जा रहा है ठीक है अब बांग्लादेश का बात है तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बांग्लादेश के बारे में वो देख लीजिए कैपिटल हो गया इसका ढाका और ढाका ही इसका लार्जेस्ट सिटी भी है ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है पीएम है शेख हसीना और करेंसी चलता है इसका टका पार्लियामेंट को बोलते हैं जातीय है संसद भवन चलिए आप लोग ये बताइए कि जो बांग्लादेश है वो भारत के किस किस राज्य से बॉन्डी शेयर करता है तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं पर आप लोग को इसका आज आंसर कमेंट में करना है ठीक है अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है किस आईआईटी ने शुरू सी एस आई आर यानी सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं मिच आई आई टी हेल्थ एंड एमओ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आई

मदद करेगा तो कौन है ये कौन से आई टी किया जा रहा है तो आई है, है? तो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न प्रश्न की तरफ अगला है किस देश ने अपने युवा लोगों को पहले टीकाकरण करने की घोषणा की है विस कंट्री हैज द फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफ इट्स यंग पीपल जो वहां के यंग पीपल है उनको सेफ रखने के लिए सबसे पहले उस देश के द्वारा ये किया गया है कि सबसे पहले हम यंग लोगों को अपने वैक्सीनेशन वैक्सीनेट करेंगे ठीक है तो ये इंडोनेशिया कंट्री है जहां अपने युवा लोगों को पहले टीकाकरण करने की घोषणा किया गया है इंडोनेशिया कब कहाँ है जकार्ता है कहाँ है जकार्ता है ठीक है तो ये इंडोनेशिया में ये घोषणा किया गया कि पहले हम यंग लोगों को अपना जो हमारे देश के यंग लोग हैं उन्हें हम वैक्सीनेट वैक्सीनेट करेंगे ठीक है तो ये हमारा आज का सतमा प्रश्न था मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है जम्मू काश्मीर में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा वेन विल द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर बी कम्प्लीटेड तो ये जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है जम्मू कश्मीर में उसका जो मैक्सिमम डेट है मैक्सिमम टाइम है वो किस ईयर तक पूरा निर्माण हो जाएगा तो ये 2021 तक इसका आंसर 2021 है यहाँ गलती से हाईलाइट दो हज़ार हो गया तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा दो तक जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा कब तक 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 जम्मू कश्मीर में चेडाम नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल के दो तक पूरा होने की संभावना है ठीक है और से बोल लीजिए यह तेरह मीटर यानी वन मीटर लंबा रेल पुल काश्मीर घाटी को दो बाईस तक शेष भारत से जोड़ देगा ठीक है यह बारामूला को जम्मू से जोड़ेगा कहां कहां जोड़ेगा बार्मूला से जम्मू को जोड़ेगा अब चिनाब रेल ब्रिज है क्या ये देख लीजिए इसे तीन मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है या फ्रांस के एफिल टावर से 30 मीटर ऊंचा होगा सोच लीजिए फ्रांस का जो एफिल टावर है ना उससे भी 30 मीटर ऊंचा है इसे फिनलैंड और जर्मनी की कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है यह कोंकण रेलवे द्वारा निष्पादित किया गया है यह दुनिया का सातवां सबसे बड़ा सकता है और इसका जीवन काल 120 साल तक है ठीक है तो ये जो है चिनाब रेल ब्रिज जो है आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है तो आप लोग क्या कीजिएगा इसका एक नोट तैयार कर लीजिएगा कि जो चिनाब रेलवे ब्रिज जो बनाया जा रहा है तो उसमें क्या क्या है क्या नहीं है किसके सहायता से बना जा रहा है और ये मतलब किस इसकी ऊंचाई कितना होने वाली है तो ये सब जो क्वेश्चंस है वो आपके आने वाले प्रशासन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है और अगर जो आप इसको नोट डाउन कर लोगे और एक दो बार पढ़ लोगे ना तो आपके माथे में आ जाएगा और आ जाएगा तो फिर आप लोग सही करोगे तो बस हमारा तो पर्पस यही है कि आप सही करो एग्ज़ाम में बस आप लोग इसको एक, एक बार नोट डाउन कर लेना ठीक है अपने कॉपी में अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है किस कंपनी ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2020 जीता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी आपका गोल्डन पिकॉक अवारसानबे में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर आई ओडी द्वारा स्थापित किया गया था यह नेतृत्व और संस्थागत उत्कृष्टता के लिए कॉर्पोरेट को दिया जाता है ठीक है यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए संगठनों का उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है अब सेल को यह अवार्ड मिला है गोल्डन पिकॉक अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी तो यह सेल है क्या उसके बारे में आप जानिए तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल है ठीक है यह भारत में सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है ठीक है यह जो है वो भारत में सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है यह इस्पात मंत्रालय के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो महारत्न से मुझे याद आया महारत्न में महारत्न में कितने कंपनी है सारे कंपनी का नाम आप लोग कमेंट में करके बताइए ठीक है महारत्न में कितने कंपनी है सारे कमेंट में करके आप बताएं तो ये जो है वो सेल जो है वो महारत्न कंपनी का एक हिस्सा है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अनिल कुमार चौधरी हैं ठीक है, है? तो ये क्वेश्चन था आपको गोल्डन पिकॉक अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी जो सेल को मिला है ठीक है अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया एंड विच स्टेट डिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोवेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क तो ये गुजरात में गुजरात में दुनिया का सबसे बड़े नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये इनोवेशन हुआ था ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है ठीक है कहा जा रहा है गुजरात में है किया जा रहा है अब गुजरात के बारे में से भी so, जो भी फैक्ट है कैपिटल है गांधीनगर और लाइस सिटी भी अहमदाबाद है ठीक है इसका जो है वो अहमदाबाद है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है विधानसभा में एक सौ बिरासी सीट है और राज्यसभा में ग्यारह सीट है लोकसभा में कुल छब्बीस सीट है और इसका जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में है ठीक है एरिया बाइज रैंकिंग इसका फिफ्थ है और रैंकिंग से कितना है नाइन्थ है तो ये सब काम का चीज था अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तो ब्लैक वर्क नेशनल पार्क हो, हो गया मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क हो गया और बंसदा नेशनल पार्क हो गया तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में है ठीक है अब ये देख लीजिए कि गुजरात जो है वो किस किस राज्य से बाउंडी शेयर करता है तो ये यह यहाँ पे गुजरात का मैप है तो राजस्थान से कर रहा है मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से दमन और दीव से और दादर नगर हवेली से और इधर एक राष्ट्र है हमारा मतलब पड़ोसी राष्ट्र और हमारा सबसे प्रिय राष्ट्र भी हो सकता है दुश्मनी के हिसाब से तो इधर पाकिस्तान से इसका बाउंड्री टच होता है राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दमबंदी और दादा नगर हवेली ये दो यूटी यहाँ है वहाँ से भी इसका बाउंड्री टच होता है तो ये गुजरात के बारे में संपूर्ण फैक्ट्स था अब मूव करते हैं अगले प्रश्न अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है हाल ही में यू द्वारा किस भारतीय व्यक्ति को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है तो इनका नाम है विद्युत मोहन ये हैं विद्युत मोहन जी ना कि विद्युत जाम्बाल हैं ये हैं विद्युत मोहन जिन्हें यू द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है अब यू क्या है यू एन ई पी क्या होता है तो यू का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वॉर्वमेंट प्रोग्राम ये जो है ना यू हो गया यूनिस्को हो गया यूनिसेफ हो गया ये सब जो है ना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आपके फुल फॉर्म पूछा जाता है तो अगर जो आप लोग एक बार याद कर लेते हो तो वहाँ पे सही करने का चांसेस होगा और आप आराम से दो मार्क्स उठा लोगे ठीक है तो यू एन ई पे परफॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वॉर्वमेंट प्रोग्राम तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा और सेवन पीपल बो ऑन द यू एन पी ट्वेंटी ट्वेंटी चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हलिये ये जो है भृत मोहन जी जो है वो क्या है इन्हें क्यों सम्मानित किया गया इनका कुछ तो इनका हो रीज़न रहा होगा ना तो भृत मोहन इज को फाउंडर ऑफ टकाचार ठीक है ये जो है वो को फाउंडर हैं के अब टकाचार क्या काम करता है वो जानिए तो यह पोर्टेबल और सस्ती उन्नयन उपकरण बनाता है जो किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने की अनुमति देता है यह फसल के कचड़े को उबर को ईंधन और कार्बनों को सॉरी कार्बन को सक्रिय करके खुले में जलने से रोकता है ठीक है तो ये जो हैं विभुत मोहन जी जो हैं इन्हें यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह अवार्ड जो है वो यू एन ई द्वारा दिया गया है स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न से किस मिसाल का ओडिशा के बालासोर तट के तट से सफल प्रशिक्षण किया है विच ऑफ द फॉर्मिंग मिसाल इंडस्ट्रियली डेवलप बाई द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द

ऑन द विच कमिटी विथ इमीडिएट इफेक्ट तो ये भारतीय पैरालंपिक समिति पर अभी बैन लगा था जिसको खेल मंत्रालय द्वारा तुरंत इसे प्रभाव से हटा दिया गया ठीक है खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया पैरालंपिक समिति पर खेल मंत्रालय ने पिछले साल खराब संचालन के कारण यह बैन लगाया था जिसके बाद पी ने अपने अध्यक्ष राव इंद्रजीत को बर्खास्त करने का

दैट इज़ करेंसी मनुपलेशन कंट्रीज तो ये भारत को अभी अमेरिका के द्वारा पूरा मतलब हार्ड दिशादेश के द्वारा अपने करेंसी मेन्यूपलेट्स के लिए यानी मुद्रा में हेर फेर करने के लिए अपने निराशी सूची में डाल दिया ठीक है यानी इस देश पे बिल्कुल मेरा कारण नजर होना चाहिए हमारा भारत कंट्री है जिसको अमेरिका ने अपने रूडली बिहे मतलब रूडली बिहे क्या मतलब बिल्कुल हार्ड स्टेप लेकर करेंसी मेन्यूपलेट्स में मुद्रा के हेरफेर करने वाले देशों के निगरानी सूची में डाल दिया है ठीक है तो ये था हमारा इसका पंद्रहवा प्रश्न अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे तरफ ठीक है जो कि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों के द्वारा काफी अच्छी तरीके से आंसर दिया गया था ठीक है क्वेश्चन क्या था कि विच मूवी हैज रिसीव द अवार्ड ऑफ द बेस्ट ऑरिजिनल स्कोर एट फोर्टीन एशियन फिल्म अवार्ड ये जो है वो गली बॉय को गली बॉय एक मूवी है जिसे बेस्ट ऑरिजिनल स्कोर एट फोर्थन एशियन फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया ठीक है इस प्रश्न का आंसर दीक्षा गर्ग जी के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से दिया गया था दीक्षा जी इसी तरीके से आप हर दिन आंसर कीजिए आप बहुत अच्छा कर रही हैं और आप इसी तरीके से अच्छा करते रहिए आंसर देते रहिए और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाइए भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे खूब सारी ऊर्जा दे ताकि अपने लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है जो भी आपके माइल स्टोन है उसको जल्द से जल्द अचीव करो अपने घर परिवार और अपने ग्रुप का अपने स्ट्रीम का नाम रोशन करो ठीक है तो ये जो था आंसर दिया गया था दीक्षा जी के बारे में दीक्षा जी के द्वारा दिया गया था कि गली बॉय को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया उसके मैंने पूछा था कि अम्मा किन्हें बोलते हैं तो जयलिता जयराम जो है जिनका नाम है जयलिता जयराम जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया ठीक है वो दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल ऑन इंडिया अन्ना द्रविड़ मुंडित कंडगम के मतलब अध्यक्ष थे ठीक है तो वो आपके आठ दिसंबर दो में हाल ही नहीं दो में इनका निधन हुआ था ठीक है तो और मैं पूछा था कि जो मोस्ट एफेक्टेड जो स्टेट है कोरोना मतलब जहाँ पे सब कोरोना फैला हुआ है वो कौन सा स्टेट है तो ये मुंबई है तो इस प्रश्न के द्वारा भी आंसर दिया गया था उसके बाद कजाकिस्तान का ओल्ड कैपिटल क्या था तो इस प्रश्न का भी आंसर इनके द्वारा दिया गया था ठीक है ये कुछ प्रश्न था जिसका आंसर इनके द्वारा दिया गया था और काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था तो इसी तरीके से आप लोग भी आंसर कीजिए और आप लोग कीजिएगा तो आपका नाम भी कल अवश्य होगा ठीक है अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है क्वेश्चन क्या है किस राज्य सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस फ्री वैक्सीनेशन ऑफ इट्स पीपल ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी बिहार ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र तो इस प्रश्न का आंसर और मैं जो अन्य प्रश्न आपसे पूछा हूं उस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य यदि आप जीके के जी या एस्टेटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जरूर विजिट करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथ ही साथ जीके जी एस करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोग पढ़ते रहें घर पे रहें सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगले दिन जय हिंद